हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सेम यूनिट है, यूनिट नंबर 1, और उसी का ये टॉपिक है जिसमें विजन और मिशन स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस क्लियर होगा। देखो फ्रेंड्स, जो विजन और मिशन है और ये जो वर्ड है इंटेंट, ये इसी का ही पार्ट है। इंटेंट मींस इंटेंशन। मैं किस इंटेंशन के साथ अपने बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ, अपनी कंपनी को शुरू कर रहा हूँ। देखो, जो इंटेंट, मेरी जो इंटेंशन होगी, चाहे वो पैसे कमाने की है, चाहे वो सोसाइटी को सर्व करने की है, तो वो सब कुछ जो है वो इसी के अंदर, इंटेंट वर्ड के अंदर जो है मिक्सअप हो जाता है, मेरी इंटेंशंस के रिलेटेड सब कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, विजन ऑफ कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज रेफर टू एज स्ट्रेटजी इंटेंट। देखो, विजन क्या है मेरी, क्या सोचता हूँ, क्या मेरी ऑब्जेक्टिव है कंपनी को लेके। सो दैट इज बेसिकली अ विजन ऑफ कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या सोच रही है वो, कहाँ पे पहुंचना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड माई इंटेंट टुवर्ड्स द कंपनी दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है, व्हाइल स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर इनलाइटन्स द फ्यूचर पाथ, है ना। जो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर है मेरा, वो फ्यूचर पाथ तो हमें बताता ही है। इट इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट जो है वो क्या बताएगा, ये हमें देता है इमोशनल, और इमोशंस हमारी होती है ना जुड़ी हुई हम अपनी जो कंपनी उसके साथ, तो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जी देता है, ताकि मेरी ये जो कंपनी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो एक उसकी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हो सके। तो मेरे अंदर वाले इमोशंस उस कंपनी को लेके, मेरे अंदर वाले जो उसके लिए थॉट्स हैं उसको लेके, उस जर्नी को कंप्लीट किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स विद इन अ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। व्हाट इज पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरी, ठीक है। तो इट लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स। कुछ हम इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो उसके लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, है ना, उसके ऊपर बहुत कुछ जो मेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो डिपेंड करेगा। अब मैं चाहता हूं, मैं कंपनी को शुरू करना चाहता हूं, तो अगर मैं कंपनी को शुरू करना चाहता हूं, तो मेरे पास फाइनेंशियल कितना पैसा है वो भी जरूरी है। तो दैट कम्स अंडर दिस पॉइंट, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लेना विद इन अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा डायग्राम आप इसके बारे में बना सकते हो, जहां पे स्ट्रेटजिक इंटेंट जो है मेरी, जो मैं इंटेंशंस है उसके बारे में मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करता हूँ उसी चीज को लेके। देन फॉर्मुलेट जब हो जाती है स्ट्रेटजी, जब बन जाती है, एक मेथड बन जाता है, उसके बाद में स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये आपस में जो है इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये कहीं ना कहीं अलाइनमेंट के साथ आपस में चलते हैं। तो दैट इज वाई ये एक आपका डायग्राम जो है आप इसके बाद में बना सकते हो इंट्रोडक्शन देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा बनाया है, आप थोड़ा सा इसको जो है ज्यादा पेज के ऊपर कवर अप कर सकते हो, ठीक है। सो कंपोनेंट्स कौन से हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, देखो विजन क्या है मेरी कंपनी का, मिशन क्या है मेरी कंपनी का, ठीक है, प्रोफाइल क्या है कंपनी की, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट कर रहा हूं मैं कि मेरी कंपनी क्या करेगी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस क्या है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या बना रहा हूं, ठीक है, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो काम करेंगी मेरी, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से ऑपरेशंस जो काम करेंगे, कंपनीज की पॉलिसीज क्या है मेरी, और कंट्रोल और इवैल्यूएशन करना। ये है मेरे कंपोनेंट्स जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के रहते हैं, जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे विजन और मिशन के अंदर क्या डिफरेंस है एग्जैक्ट। देखो फ्रेंड्स, जो विजन है ना, That is what firm wants to be in future. क्या बनना चाहती है firm? कहाँ पे पहुंचना चाहती है firm? That is called a vision. तो मैं future की बात कर रहा हूँ कि मेरी future में company कहाँ पे stand करेगी, है ना? Objective क्या है? ठीक है? तो future क्या है उसका? Mission means ये organization क्यों आई? उस देखो दोनों में difference है।
एक विजन बात कर रहा है आने वाली चीज की। विजन क्या है यार मेरा, देख रहा हूं कि मेरा फ्यूचर क्या है, है ना। और मिशन मींस मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्या काम कर रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात करेगा, ये फ्यूचर की बात करेगा। तो ये डिफरेंस है। ज्यादा डिटेल में डिफरेंस जानने के लिए एक हम टेबल बनाएंगे जहां पे हम मीनिंग की बात करेंगे। विजन जो है कंपनी की फ्यूचर पोजीशन की बात करेगा, ठीक है, मीनिंग में देते हैं। विजन फ्यूचर पोजीशन की बात करता है, और जो मिशन है हमारा वो क्या करता है, डिस्क्राइब कंपनीज एम और ऑब्जेक्टिव की बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा, ठीक है, क्यों है मेरी कंपनी, राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इट इज। तो विजन क्या है, एक इफेक्ट है मेरा कि जो मैं कर रहा हूं उसका इफेक्ट क्या है फ्यूचर में आने के लिए, ठीक है। मिशन क्या है, कॉज, क्यों है मेरी कंपनी, इट इज अ कॉज, ठीक है। विजन किस बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट फ्यूचर। ये किसके बारे में बात करता है, प्रेजेंट। नेक्स्ट ये क्या शो करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बी। और ये क्या शो करता है कि वेयर वी आर एट प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। टर्म लॉन्ग टर्म है विजन मेरा, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मिशन में शॉर्ट टर्म है क्योंकि मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी कहां पे है मेरी कंपनी और क्यों है मेरी कंपनी, ठीक है। पर्पस क्या है, इंस्पायर करना, इंस्पायर होना, टू इंस्पायर। और इसका पर्पस क्या है मिशन का, टू इन्फॉर्म करना कि भाई मेरी कंपनी किस चीज के रिलेटेड है, ठीक है। सो आई थिंक बहुत अच्छी तरह से इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर मैं विजन के एग्जांपल लूं तो एक फेमस कंपनी है जाइडस कैडिला ग्रुप, ठीक है। अब ये कंपनी ही नॉट ओनली वॉन्ट टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर, वर्ल्ड में अपना नाम नहीं करना चाहती, ये टॉप थ्री कंपनीज बनना चाहती है, इवन इंडिया के लिए, इंडिया में भी टॉप थ्री कंपनीज में आना चाहती है। तो ये क्या है विजन उसका, क्या बनना चाहती है वो, ठीक है। सो इसकी जो टैगलाइन थी वो क्या थी, विजन क्या था इस कंपनी का, इसने लिखा था कि ये अपनी सेल्स जो है, ये देखो हेल्थ केयर के रिलेटेड ये कंपनी है, ये बता रही है कि मैं, मेरा विजन क्या है कि मैं अपनी कंपनी को 2010 में, मतलब ये इसने पहले स्टेटमेंट दी थी, मैं अपनी कंपनी को 2010 में 1 बिलियन सेल करने का टारगेट रखती हूँ, ठीक है। फिर 2015 में उसने बताया कि मैं जो है सेल को बढ़ा के $3 बिलियन करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर उसने बताया कि 2020 तक मैं एक रिसर्च ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी बन जाऊंगी। तो ये उसका क्या था, विजन था। जबकि मिशन के अंदर एक एग्जांपल लें तो ये हमारे को बताता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इश्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। ये बात करता है अपने स्टाफ की, अपने जो भी इम्प्लॉयज हैं उनकी, स्टेक होल्डर्स की, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती है कंपनी। तो उसका मिशन क्या है, राइट, तो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती है। इसमें भी एक कैडिला ग्रुप की कंपनी है जो कि हेल्थ केयर कंपनी है, वो कहती है, उसकी टैगलाइन क्या थी, वी आर डेडिकेटेड टू लाइफ इन ऑल इट्स डायमेंशन, ठीक है। ये कहती है कि मैं इनोवेशन करना चाहती हूँ, ठीक है, रिसर्च कुछ नया लेके आना चाहती हूँ, ठीक है, कमिटमेंट करना चाहती हूँ कि अपने करना चाहती नहीं कर रही हूँ तो मैं कमिटमेंट दे रही हूँ, अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ कमिटमेंट रखती हूँ प्रॉपर, ठीक है, और इनोवेशन करती हूँ मैं। प्रेजेंटली क्या कर रही है वो कंपनी, तो इनोवेशन कर रही है, अपने कमिटमेंट कर रही है अपने पार्टनर्स के साथ, एंड इट इज कंसर्न्ड फॉर द पीपल। तो पीपल की हेल्थ के लिए ये कंसर्न्ड है, पूरे ग्लोबली पूरे हेल्थ के लिए कंसर्न्ड है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। देखो हमने इसमें यही पढ़ा कि जो हमारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन में हमारे पास दो तरह के बातें सामने आई कि विजन क्या है कंपनी का, मिशन क्या है कंपनी का, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो मैंने आपको बताए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। तो इसी में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दोबारा से एक जो इसी का एक पार्ट रहता है मैं उसको भी कवर अप करवा दूंगा अभी,
ठीक है, तो एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि इतना सारा मटेरियल एक ही वीडियो में नहीं आ सकता था, तो इसको थोड़ा सा मैं ज्वाइन कर लूंगा दूसरी वीडियो के साथ। सो थैंक यू।